विश्व फोटोग्राफी दिवस पर क्लिकर्स संस्था ने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश चौहान और रवि कन्होजिया की याद में दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी व वर्कशॉप का आयोजन बुद्ध संग्रहालय के एग्जीबिशन हॉल में रविवार को किया गया। बुद्ध संग्रहालय के एग्जीबिशन हॉल में रविवार को शहर की खूबसूरती नजर आई। शहर की हरियाली, अलौकिक दृश्य और खूबसूरत धार्मिक स्थल वाइल्ड लाइफ को फोटो के जरिए पेश किया गया। शहर के फोटोग्राफरों के कैमरे की नज़र से लोगों ने शहर की खूबसूरती को अपनी आँखों में बसा लिया। साफ सुथरी सड़कें, रामगढ़ताल, गुरु गोरखनाथ मंदिर और नक्काशीदार धार्मिक स्थल, ये सब देखकर लोगों का मन खुश हो गया। प्रदर्शनी में शहर के विभिन्न कैटेगरी के फोटोग्राफरों द्वारा कैद की गई शहर के अलग अलग एंगल की खूबसूरती को पेश किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ, संस्कृति, परंपरा और बदलते गोरखपुर की तस्वीरें देखकर सभी तारीफ करते नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत क्लिकर्स संस्था की ओर से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक संगम दुबे, राजीव केतन, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम संयोजक क्लिकर्स के संगम दुबे ने कहा, बदलता हुआ यानी बदलता जो स्वरूप है अपने साल का, उससे हम संगम दुबे संयोजक क्लिकर्स। ये विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पे हर साल हम लोग इस तरह का एक फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और ये छठा सीज़न है और इसमें तमाम तरह के फोटोग्राफर्स हैं, जैसे प्रोफेशनल भी हैं, अमेचर्स भी हैं और स्कूल कॉलेजेस के छात्र भी हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये कहीं ना कहीं अपने शहर को प्रमोट करने के लिए एक प्रयास होता है। ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए एक थीम रखा गया था, राइजिंग गोरखपुर, गोरखपुर में हो रहे बदलाव को देखते हुए। निश्चित तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब यहीं से हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है शहर में। तो इन्हीं बदलावों को कि मतलब हमारा शहर कैसे बदल रहा है, उसी थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी रखी गई है और तमाम लोगों ने अपनी प्रविष्टियाँ भी भेजी है, जिसको चयनित करके हम जो है उनको पुरस्कार भी देंगे।